मैं मोहम्मद तलहा, मैं इमरान अली, मैं मोहम्मद रफीला, इनाम के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद होने का भी हमने भी खड़े होना है। कासम है, कासम थोड़ा सा वो नाम क्या था ये है, इनका नाम है जनाब। छोटे बच्चे भी अब शायद नजर आ रहे हो, खैर नजर आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी खड़े हैं, लेकिन बच्चों को इसलिए मैंने खड़ा किया साथ में क्योंकि ये बच्चों के रिलेटेड वीडियो है, इनको भी पता चले कि भाई इंडियन किड्स कहाँ हैं, मतलब इंडिया के बच्चे कहाँ पहुंचे हुए और हम कहाँ हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा अली अकबर, अली अकबर है नाम तुम्हारा, क्या नाम है? अली अकबर। क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? चले जी, खैर देखते हैं वीडियो इंडियन किड्स कहाँ हैं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, हर साइज का सैंपल मौजूद है। तो देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बच्चों से लेकर एक्शन। हरियाणा के कौटिल्य पंडित गूगल बॉय के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके दिमाग में सब कुछ गूगल की तरह स्टोर है। कौटिल्य की उम्र 12 साल है और उनका आईक्यू लेवल 130 के करीब बताया जाता है। तो देखो सजो, ये है महातेज, महाज्ञानी, महाबुद्धिमानी, महाकीर्तिमानी, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी श्रीमान कौटिल्य पंडित जी। ये कठिन से कठिन सवालों के जवाब बस चुटकी बजाते जवाब दे देते। इतना आईक्यू इस उम्र में शायद 100 में से ही किसी एक को मिलता है। और दर्शकों में से अगर कोई इनसे प्रश्न पूछना चाहे, लेसोथो देश की सीमा पूरी तरह से किस देश के अंदर पड़ती है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पड़ोसी देश क्या है? पेरू और अर्जेंटीना। तीन है नहीं, दो है। 9th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद वो 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका सपना है कि वो एक स्पेस साइंटिस्ट बने, जिसके लिए वो खास तैयारी भी कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भी सम्मानित हुए हैं। साथ ही कौन बनेगा करोड़पति और कॉमेडी नाइट विद कपिल सहित कई रियलिटी शो का हिस्सा भी बन चुके हैं। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो उसका एरिया कितना है? 110 किलोमीटर। वेनेजुएला के दो पड़ोसी देशों का नाम। वेनेजुएला के दो पड़ोसी देश बता दो इन्हें। वेनेजुएला के हैं गुयाना और ब्राजील। वेरी गुड। कारगिल में कौन सी नदी बहती है? कारगिल, कारगिल में बहती होगी जम्मू कश्मीर की नदी। ठीक है, क्या बताया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। वाकई इस उम्र में इतना सब कुछ हासिल करने वाले को कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो ही खत्म यार, एक बच्चे ने कमाल कर दिया। एक मर्तबा मेरे बच्चों सुन लो पहले बात, इस बच्चे की आईक्यू लेवल और इसकी तलीम और इसके म्यार पर एक हल्की हल्की सी इसकी क्लैपिंग कर रहे हैं। इस बच्चे ने कमाल के आंसर किए। इसे बस 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 छोटे बच्चे भी है ना, इसे ब्रेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि मतलब इसकी एज देखें। मेरे पास भी एक बच्चा है काफ़ी इंटेलिजेंट है, जितने भी मेरे पास बच्चे बैठे ना उनमें मतलब वो काफ़ी जहीन है मेरे लिहाज से, लेकिन उसके सामने तो वो अभी भी जीरो ही है। मैं इसको जीरो कह रहा, ये 100 में से 1% कह रहा है। लेकिन जो उस बच्चे ने बताया, आपको पता है वेनेजुएला, वेनेजुएला के इर्द गिर्द वेनेजुएला कंट्री है, उसके इर्द गिर्द दो जो कंट्री मुझे भी नहीं पता कि कंट्री कौन से, और मुझे जो जिस सवाल का जवाब उस बच्चे ने दिया ना मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता भाई। किस किस को उसके सवाल का जवाब पता थे जो उस बच्चे ने दिया? देखिए उसका आईक्यू लेवल, उसका आईक्यू लेवल चेक करें और उसकी देखे जहानत कितनी ज्यादा है। उसकी एज 10वीं क्लास के बच्चों को यार कमाल करता है। इसको इंडियन कह रहा हूँ, कपिल शर्मा शो में भी बुलाया गया है और बाकी शोज में भी बुलाया जाता रहा है, मतलब कॉमेडी नाइट्स में भी शोज में बुलाया जाता है। तो मैं यही बच्चों को बता रहा हूँ, मेरे बच्चे मैंने इस पर रिएक्शन करने का बच्चों के साथ मकसद यही है। अब मैं बच्चों से सवाल पूछूंगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया का नॉलेज है। चलो जी, हमारी लाइट भी ऑफ हो गई, ये भी हमारा एक मसला है, हम इधर पढ़े क्या तो हम क्या करें। खैर बच्चों से मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अगर बच्चों ने जवाब, मैं ये कहता हूँ किसी को नहीं आता, उसको पूरी इंडिया के अलावा पूरी दुनिया का नॉलेज था। अच्छा बच्चों, आप में से कोई बता सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा, सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा, किसको पता है? किसको पता था? हैंड्स रेज करे। कौन सा? आप थोड़ा बड़े हैं, छोटे बच्चों में किसको पता है क्या कौन सा बड़ा प्रोविंस है? नहीं पता, नहीं पता। प्रोविंस हमारा सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। मतलब मकसद ये है, ये वीडियो बच्चों के साथ देखने का ये मकसद है कि हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, हमें बजाय नफरतों को कम करना चाहिए और इल्म की तरफ लेकर जाना चाहिए बच्चों को। और जिस तरह आज इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क समझ बन गया है ताकत के लिहाज से। आपको पता है इस चीज़ का? मतलब 200 तकरीबन कमो बेश 200 कंट्रीज में से 5वां नंबर इंडिया का है, टॉप 5 में इंडिया है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान ऊपर है। किस वजह से है? सिर्फ इन ज़ाहिन बच्चों की वजह से है। आप भी पढ़ा करें, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। क्यों बच्चों, समझ आ रही है? क्या करना है? दिल लगाकर पढ़ना है। और यार इस बच्चे का ज़ाहिन जहानत पर वाकई रश्क आ रहा है, बड़ा क्या इस पर मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, इस बच्चे ने अल्फाज खत्म। कोई बच्चा इस पर अमानुल्ला क्या कहना चाहोगे? मानुल्ला, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अल्लाह पाक ने इसको ज़ेहन दिया है, बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और कोई बच्चा कमेंट करना चाहे? जी इतनी छोटी एज में, हाँ, और 10th क्लास को वो पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चे तो अपना काम नहीं कर जा सकते, क्योंकि मेरे पास आते हैं, मुझे पता है अपना काम करना हो तो रोना लग जाते हैं। इनको जनरल नॉलेज क्या होना है, इनको दुनिया की खबर क्या होनी है, इनको बुक्स जो अपनी जो समझ लें किस्म की वो बुक्स जो उनमें तो जनरल नॉलेज भी नहीं होता, इसके बावजूद भी रोते हैं। और कोई बच्चे मना कुछ बोलना चाहोगे इस बच्चे के बारे में या अपने बच्चों को कंपेयर करके देख कर क्या लगता है? भाई मुझे तो लगता है बच्चा बहुत ही ज्यादा ज़हीन है। मैं इतना नहीं हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान के सूबों को पता नहीं है। देख लें, वो दूसरी कंट्री के नाम बता रहा है, नाम भी उनके पड़ोसी ममालिक भी। हाँ। हमें अच्छा, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं? नहीं पता है, एक का पता है, एक का। कौन सा? इंडिया के अलावा कौन सा? चाइना, चीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई। वो हमारे किसी पड़ोसी आगे भाई मजाक कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक में है, एक ईरान है, एक अफगानिस्तान है, एक चाइना है और एक इंडिया है। और एक तरफ हमारे बहरा अरब जिसे कहता है वो है, मतलब समंदर है। तो ये हाल है हमारा, तो हमने क्या तरक्की करनी। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप पढ़ें, चाहे कोई खैर ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इंडिया के आगे बढ़ने की वजह यह है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों का ज़हन चेक करें। हमें भी उनकी तरह आगे पढ़ना है और आगे जी। बच्चों को ये नहीं पता हमारे पाकिस्तान की आबादी कितनी है। यार वाकई यार अफसोस होता है, कितने हैं इनको ये नहीं पता, तो छोटा सा बच्चा हो कितना। खैर ये उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि लाइट भी चली गई है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए जाए।